उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश इंडिया का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। ऋषिकेश गढ़वाल रीजन का प्रवेश द्वार है। ऋषिकेश को योगा सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गंगा के किनारे पर स्थित ऋषिकेश सिटी जितना योगा और अध्यात्म के लिए फेमस है, उतना ही फेमस अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए भी है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। इट्स अ परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन इन समर। सो इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऋषिकेश कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा ऋषिकेश जाने का। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप ऋषिकेश का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऋषिकेश स्टार्टिंग पॉइंट है उत्तराखंड की हिमालय रेंज का। चार धाम की यात्रा का भी पहला पड़ाव ऋषिकेश ही है। यहीं से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। ऋषिकेश आना बहुत ही आसान है। ऋषिकेश आप बाय बस, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट से आ सकते हैं। ट्रेन से ऋषिकेश आप दो तरह से पहुंच सकते हैं। आपकी सिटी से डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए ट्रेन है तो आप उससे आ सकते हैं, या फिर आप हरिद्वार की ट्रेन से आ सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो या फिर बस से तय कर सकते हैं। हरिद्वार बस स्टैंड से ऋषिकेश के लिए बस आपको हर 10 मिनट में अवेलेबल हो जाएगी, जिसका फेयर 50 से 60 रुपये रहता है। बाय फ्लाइट से अगर आप आना चाहें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट पड़ता है। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी 22 किलोमीटर है। बस से भी आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। दिल्ली NCR से आपको ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसका फेयर 300 से 400 रुपए तक रहेगा। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी 260 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ऋषिकेश में पेड पार्किंग आपको लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी पुल पर मिल जाएगी, जिसके चार्जेस 100 रुपये पर डे रहते हैं। ऋषिकेश पहुंचकर आप होटल, धर्मशाला या गेस्ट हाउस ले सकते हैं। होटल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से बुक करवा सकते हैं। एवरेज होटल ऋषिकेश में आपको 800 से 1200 की रेंज में मिल जाएगा। धर्मशाला आपको ऋषिकेश में काफ़ी सस्ती 100 से 500 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और आप ऋषिकेश में रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कैंप्स आपको 1000 से 2000 की रेंज में मिल जाएंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स और डिनर इंक्लूड रहता है। ऋषिकेश में राफ्टिंग बहुत फेमस है, सो डे 1 पर आप राफ्टिंग करें। राफ्टिंग के लिए बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से करवा सकते हैं। ऋषिकेश में जगह जगह राफ्टिंग करवाने वाली शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप राफ्टिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। राफ्टिंग पॉइंट तक पिक एंड ड्रॉप फ्री रहता है। राफ्टिंग के प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। और राफ्टिंग के अलावा आप यहां पर क्लिफ जंपिंग, बंजी जंपिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बंजी जंपिंग की कॉस्ट 3500 रुपए रहती है। नेक्स्ट आप ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट जा सकते हैं, जहां 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी घाट है। यहाँ पर इवनिंग में गंगा जी की महाआरती होती है, जिसे काफी लोग देखने के लिए आते हैं। आपको भी यहाँ जरूर आना चाहिए। आरती का टाइम शाम को 6 से 7 बजे का रहता है। नेक्स्ट डे आप राम झूला जा सकते हैं, जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर। यहाँ पर आपको गंगा नदी का काफी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा। राम झूला पार करते ही आप स्वर्ग आश्रम में एंटर हो जाएंगे। स्वर्ग आश्रम में काफी सारे आश्रम और मंदिर बने हुए हैं, और ये जगह फेमस है मेडिटेशन और योगा के लिए। फॉरनर्स भी आपको यहाँ पर काफी देखने को मिलेंगे। स्वर्ग आश्रम में काफी सारे आश्रम हैं, जैसे गीता भवन, परमार्थ आश्रम, बीटल आश्रम, जो कि बहुत ही सुंदर आश्रम बने हुए हैं। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। इन आश्रम में स्टे करने के लिए फैमिली साथ में होना जरूरी है। बैचलर को इन आश्रम में रूम नहीं मिलता,
ये सभी आश्रम 1 किलोमीटर के अंदर ही बने हुए हैं। गीता भवन में आप स्नैक्स या स्वीट भी ले सकते हैं, जो कि रिजनेबल रेट पर मिल जाती है। लंच भी आप सिर्फ 50 रुपए में गीता भवन में कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन पर भी शाम को गंगा आरती होती है, सो वो भी आप जरूर देखने जाएं। आश्रम के पास ही काफी सारे घाट भी बने हुए हैं, जहां पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और गंगा जल भी बोतल में भर सकते हैं। लक्ष्मण झूला वैसे तो अब बंद हो चुका है, पर लक्ष्मण झूले के पास ही ऋषिकेश की मार्केट भी है, जहां पर आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। और आप ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव के मंदिर भी जा सकते हैं। राम झूले से थोड़ी ही आगे जाने पर टैक्सी स्टैंड है, जहां से आप शेयर टैक्सी लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। टैक्सी का फेयर 150 से 200 रुपए तक रहता है, जिसमें आना जाना दोनों इंक्लूड रहता है। और भी काफी सारे मंदिर, आश्रम, योगा आश्रम आपको ऋषिकेश में देखने को मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर विजिट करें। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जो कि हर इंटरेस्ट के टूरिस्ट के लिए आइडियल प्लेस है, जहां पर धार्मिक से लेकर एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। यहां पर आपको काफी सारे फॉरेनर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और ऋषिकेश में आप गोवा बीच भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि राम झूला के पास ही है। यहाँ पर भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फूड की बात करें तो फूड के काफी सारे ऑप्शंस आपको ऋषिकेश में मिल जाएंगे। राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों के पास ही आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स लाइक चोटी वाला नियर राम झूला, जर्मन बेकरी नियर लक्ष्मण झूला और गीता भवन में भी काफी टेस्टी मिठाई मिलती है, उसे भी जरूर ट्राई करें। फूड ऋषिकेश में आपको रीजनेबल रेट पर मिल जाएगा। और ऋषिकेश में आप कुछ लोकली ग्रोन पल्सेस, राजमा, मिक्स दाल, अरबी, अदरक, रागी आटा भी यहाँ से ले सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिकली ग्रोन होता है। सो ऋषिकेश घूमने के लिए आपको 2 दिन चाहिए होते हैं, सो बजट आपका कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें अगर आप 2 दिन के लिए 2 लोग आ रहे हैं तो होटल का खर्चा 1500 रुपये पर पर्सन, फूड का 1000 रुपये पर पर्सन, राफ्टिंग का 1000 रुपये पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन का 500 रुपये पर पर्सन। सो इस तरह से आप 4000 रुपये में ऋषिकेश घूम सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना ऋषिकेश का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।